हम अपनी पिछली वीडियोस में कर रहे थे इज ऑल अबाउट कि प्राइस के बढ़ने और घटने से क्वांटिटी डिमांडेड पे कितना और क्यों फर्क पड़ता है। वेलकम एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं इको वर्ल्ड डिजिटल क्लासेस। अभी मैं कर रही हूँ माइक्रो इकोनॉमिक सीरीज फॉर स्टैंडर्ड 11 और हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 6। हम लोग कर रहे हैं टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टुडे इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। ओके, सो पिछली वीडियो में जाते हैं और वापस से कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि कोई कोई कमोडिटी जितनी मर्जी महंगी हो जाए लोग फिर भी उसको खरीदते हैं, और ऐसा क्यों होता है कि कोई कोई कमोडिटी ऐसी है कि जरा सा प्राइस बढ़ा नहीं कि कंज्यूमर ने अपनी लॉयल्टी शिफ्ट की नहीं, वो यहां से वहां चला गया। तो इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है प्राइस इलास्टिसिटी का, एंड एज कॉमर्स स्टूडेंट्स और एज स्टूडेंट्स हु आर डूइंग इकोनॉमिक्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि कल को अगर तुम लोग अपना बिजनेस नहीं चला रहे हो यार, प्राइसिंग तुम्हारे हाथ में है लेकिन अपने मार्केट को अपने टारगेट ऑडियंस को बिना देखे तुम प्राइस नहीं सेट कर पाओगे। तुम्हें देखना पड़ेगा कि क्या तुम्हारे कॉम्पिटिशन है अगल बगल, क्या कंज्यूमर शिफ्ट कर सकता है, अगर कर सकता है तो शायद तुम्हें अपनी कमोडिटी लेस ऑन अ लो प्राइस रखनी पड़ेगी ताकि लोग आसानी से यहां से वहां ना जाए। एनीवेज लेट्स बिगिन, इसके थ्रू हम मैंने जो भी बात कही है उसको भी समझते जाएंगे। इलास्टिसिटी 5 टाइप की होती है, मैं इस वीडियो में आज 3 टाइप्स करूंगी एंड वी विल डू अनदर वीडियो जहां पे हम अगले 2 टाइप्स करेंगे। पहला टाइप एंड हाइपोथेटिकल टाइप, हाइपोथेटिकल मतलब बड़ा इमेजिनरी टाइप है, ये होता है परफेक्टली इलास्टिक। अब ध्यान से सुनो, परफेक्टली इलास्टिक मतलब जितना मर्जी चाहो उतना क्वांटिटी को खींच लो, जितना मर्जी चाहो उतना क्वांटिटी को खींच लो एट अ गिवन प्राइस। दिस इज अ सिचुएशन जहां पे एनी अमाउंट ऑफ कमोडिटी कैन बी परचेज एट अ गिवन रेट। मतलब ऐसे समझो कि तुम 10 रुपए लेकर किसी दुकान में गए और दुकान वाले को बोला मेरे पास 10 रुपए हैं, तो दुकान वाले ने बोला कोई बात नहीं तुम 10 रुपए में चाहे 10 ले जाओ, 10 रुपए में चाहे 20 ले जाओ, 10 रुपए में चाहे 20 ले जाओ। ये है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, which means at a given rate, at a given price, आप जितना मर्जी चाहो उतनी क्वांटिटी डिमांड कर सकते हैं। अब ऑब्वियसली तुम्हें सुनते सुनते अटपटा लगा होगा कि ऐसे कैसे 10 रुपए में 20 ले जाओ, 10 रुपए में 30 ले जाओ। बिल्कुल, इसीलिए मैंने वर्ड यूज किया हाइपोथेटिकल, क्योंकि ये हमारी रियल लाइफ में बहुत कम देखने को मिलता है और ये एक ऐसे मार्केट फॉर्म में देखा जाता है जैसे इकोनॉमिक्स में बोलते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन। अब आई बात मार्केट फॉर्म की कि मैम आप तो बीच में पता नहीं कौन कौन से फंडे ले आते हो। मार्केट फॉर्म का मतलब है क्या होता है ना, हम बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं कंज्यूमर्स का, प्रोड्यूसर्स का, मतलब हम देखते हैं कि यार इस एरिया में ना कंज्यूमर प्राइस को देख के ना भाग जाते हैं या प्राइस को देख के भी इधर उधर नहीं होते, तो ये कंज्यूमर का बिहेवियर है ना। सिमिलरली हमें समझ में आता है कि यार जब प्रोड्यूसर अकेला होता है ना तो वो अपने रेट बढ़ाता रहता है और उसे फिर भी फायदा होता है क्योंकि कोई और उसका कोई कमोडिटी छोड़ के जा ही नहीं रहा क्योंकि वो अकेला बेच रहा है उस चीज को। यानी ऐसे ऐसे कई बिहेवियर हम नोटिस करते हैं और उन बिहेवियर्स के हिसाब से हम उनको एक अलग अलग कैटेगरी में डाल देते हैं और उस कैटेगरी को बोलते हैं मार्केट फॉर्म, बेसिक है ना। तो एक मार्केट फॉर्म, एक कैटेगरी है परफेक्ट कॉम्पिटिशन की। ये इमेजिनरी है क्योंकि अब इसको नहीं देखा जाता, बाकी जो आपको केसेस में बताऊंगी उसमें जो मार्केट फॉर्म्स है वो देखे जाते हैं बट ये अब नहीं देखने को मिलता। लेकिन इसकी एक खासियत थी कि आप एक एट अ गिवन प्राइस आप जितनी मर्जी चाहो क्वांटिटी डिमांड कर सकते हो। अब मैं ये समझाती हूँ कि कैसे होता है, ध्यान से सुनना। तो मान लो तुम 10 प्रोड्यूसर्स हो, 10 प्रोड्यूसर्स इन अ सिमिलर एरिया, ऐसा समझ लेते हैं 10 शॉपकीपर है एक ही एरिया में, ठीक है। 10 के 10 एक ही रबर बैंड बेच रहे हैं, एक ही जैसा, एक ही कलर का, एक ही क्वालिटी का, एक ही साइज का, मतलब 19-20 का भी फर्क नहीं है, एब्सोल्यूट परफेक्टली सेम कमोडिटी 10 के 10 बेच रहे, ठीक। ऑलराइट, अब मेरे को ध्यान से सोच के बताओ, तो तुम 10 के 10 शॉपकीपर अगल बगल लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स और एक ही कमोडिटी, नो फर्क ना कलर ना साइज ना क्वालिटी, 19-20 का भी फर्क। मैं कंज्यूमर हूं, मैं आती हूँ दुकान नंबर ए पे, दुकान नंबर ए वाला मुझे कहता है जी मेरा रेट है 10 रुपए। मैं दुकान नंबर 2 पे जाती हूँ, वो भी कहता है जी मेरा रेट है 10 रुपए। मैं दुकान नंबर 3 पे जाती हूँ, वो कहता है मेरा रेट है 12 रुपए। तुम्हें क्या लगता है मैं 12 रुपए वाले दुकानदार से खरीदूंगी कुछ भी? क्यों खरीदूं, सेम चीज सेम क्वालिटी हर जगह 10 रुपए में मिलती है, तुम 12 रुपए की बेच रहे हो, क्यों खरीदूंगी? नहीं खरीदूंगी।
मैं या कोई भी कंज्यूमर उससे कुछ भी नहीं खरीदेगा। यानी कि इस मार्केट फॉर्म में, इस सिचुएशन में अगर कोई भी प्रोड्यूसर अपना रेट बढ़ाता है तो वो मर जाएगा, उसका काम बंद है, जीरो हो जाएगी उसकी डिमांड, क्योंकि कोई भी उससे कोई भी चीज नहीं खरीदना चाहेगा। क्यों खरीदेगा, सारे लोग सेम चीज बेच रहे हैं, इसे हम बोलते हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस बिल्कुल सेम, सबका रेट एक 10, तुम 12 पे बेच रहे हो, कौन खरीदेगा, कोई नहीं। तो चलो बढ़ाने का तो सवाल उठता ही नहीं, कैंसिल कैंसिल, ठीक है। अब मैं चौथी दुकान पे गई, चौथी दुकान वाले ने बोला मैं 9 रुपए का बेचूंगा, वाह मैं तो उसी से खरीदूंगी, 9 रुपए का बेचेगा तो मैं उसे खरीदूंगी। लेकिन अब एक बात बताओ, 10 दुकानें साथ में, होमोजीनियस प्रोडक्ट, सबका रेट चल रहा है 10 और इन जनाब ने कर लिया अपना रेट 9, तो मैं तो उसी से खरीदूंगी, मैं क्या सारे कंज्यूमर्स उससे खरीदेंगे, तो बाकी क्या बैठे बैठे देखते रहेंगे, बिल्कुल नहीं। वो क्या करेंगे, सोचते जाओ मेरे साथ, वो क्या करेंगे, वो भी अपना रेट काट देंगे। तो उसने 9 किया, ये भी 9 करेंगे, उसने 8 किया, वो भी 8 करेंगे, ऐसा करते जाएंगे। लेकिन कब तक, कब तक, अगर उसने 1 कर दिया तो सारे 1 कर देंगे, तो खाएगा कोई क्या, प्रॉफिट क्या बचा, खत्म है फिर तो पूरी इंडस्ट्री खत्म है, करेक्ट। सो इस मार्केट फॉर्म में ना तो प्राइस बढ़ाने का ऑप्शन, ठीक है, ना प्राइस घटाने का ऑप्शन, बढ़ाओगे तो धंधा बंद, घटाओगे तो प्रॉफिट खत्म। तो क्या होता है, और ये सब सिर्फ एक कारण से होता है, दैट द प्रोडक्ट इज होमोजीनियस, बिल्कुल एक जैसा प्रोडक्ट है। गाइस हमारी आज की रियल लाइफ में आपको बहुत कम देखने को मिलेगा कि प्रोडक्ट एक ही जैसा हो, कुछ ना कुछ वेरिएशन कर ही देते हैं। आप साबुनों का एग्जांपल हो, साबुन का बेस हो सकता है सेम हो, लेकिन लक्स की साबुन का रंग व्हाइट है, किसी का पिंक है, वो डिफ्रेंसिएशन करना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर एक ही जैसी कमोडिटी होगी तो ये दिक्कत हो जाएगी। तो होमोजेनस नहीं होती अब आइटम्स, एक जैसी नहीं होती। लेकिन इस मार्केट फॉर्म में क्योंकि प्रोडक्ट 19-20 का भी फर्क नहीं है, एब्सोल्युटली सेम, इसी कारण से ना रेट ऊपर हो सकते ना रेट नीचे हो सकते। तो फिर प्रोड्यूसर फायदा कैसे कमाएगा, प्रोड्यूसर प्रॉफिट कैसे कमाएगा जब सभी 10 रुपए का बेच रहे हैं। तो बात आई क्वांटिटी की, गाइस आई हैव टू मेक दिस क्लियर, अगर रेट अक्रॉस 10 चल रहा है और इसको छेड़ नहीं सकते, इसको ऊपर नीचे नहीं कर सकते, तो फिर एक ही तरीका है जिससे प्रॉफिट कमाया जा सकता है, और वो क्या है, क्वांटिटी। तो जो 10 की क्वांटिटी बेचेगा उसका रेवेन्यू होगा 100, जो 30 की क्वांटिटी बेचेगा उसका रेवेन्यू होगा 300, तो ऑब्वियसली 300 वाले का प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, है ना। तो इसीलिए कह रहे हैं ये वो मार्केट फॉर्म है जहां एट अ गिवन रेट यू कैन बाय एनी अमाउंट ऑफ कमोडिटी, क्योंकि इस मार्केट फॉर्म में प्राइस का तो खेल ही नहीं है, प्राइस तो कांस्टेंट चल रही है। सो एट अ गिवन प्राइस जितना मर्जी क्वांटिटी डिमांडेड को खींचो, जितना मर्जी इलास्टिक कर लो, इस केस को हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, विच मीन्स एट अ गिवन प्राइस आई कैन बाय एज मच एज आई वॉन्ट एज अ कंज्यूमर। और इसीलिए इसका कोएफिशिएंट या जो वैल्यू हम निकालते हैं वो है इनफिनाइट, इनफिनिटी, जितना मर्जी ले जाओ। क्योंकि मैंने अभी क्या समझाया, आई होप यू आर क्लियर, तुम्हें समझना है कि इस मार्केट फॉर्म में प्राइस ऊपर नीचे नहीं हो सकती। तो प्राइस में तो खेल ही नहीं रहा है प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर किस पे खेल रहा है, क्वांटिटी पे। तो जितनी क्वांटिटी लोग खरीद के जाएंगे उतना प्रोड्यूसर को प्रॉफिट होगा। इसीलिए इस मार्केट फॉर्म में एट अ गिवन रेट अ कंज्यूमर कैन बाय जितना मर्जी को खरीद सकता है एट दिस गिवन रेट, और पीईवी का कोएफिशिएंट है इनफिनिटी, परफेक्टली इलास्टिक, जितना मर्जी खींचो। क्लियर, समझ में आ गया, गुड। सेकंड, परफेक्टली इनइलास्टिक, फेविकोल का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं। मतलब परफेक्टली इनइलास्टिक का क्या मतलब हुआ, देखो इलास्टिसिटी का मतलब है प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड पे कितना फर्क पड़ा, पड़ा हाँ तो फिर कितना, और प्राइस के घटने से भी क्वांटिटी डिमांडेड पे कितना फर्क पड़ा, पड़ा तो कितना। परफेक्टली इलास्टिक का केस ध्यान से देखो, लुक एट दिस, एक डायग्राम समझा करो, जीवन बहुत आसान हो जाएगा तुम लोगों का। लुक एट दिस, ये मेरा प्राइस 10 और ये रही प्राइस 20, यानी क्लियरली प्राइस बढ़ रही है। लेकिन व्हाट अबाउट योर क्वांटिटी गाइस, क्वांटिटी के एक्सेस को देखो, ये रही क्वांटिटी की लाइन, इसको देखो, मैं यहाँ पे फिर से भी ड्रॉ कर सकती हूँ, ये देखिए, अगर मैं इसको हटा दूं एक बार के लिए, सी दिस इज क्वांटिटी एक्सेस, तो ये मान लो 20 है, प्राइस 10 है तो भी यही क्वांटिटी, प्राइस 20 है तो भी यही क्वांटिटी, यानी क्लियरली प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी पे जीरो असर आ रहा है, असर आ ही नहीं रहा।
अब ये कैसी कमोडिटीज हैं? ये ऐसी कमोडिटीज हैं जिनके बिना तुम्हारा काम नहीं चलेगा. दीज आर बेसिक टू बेसिक नेसेसिटीज, यू रियली कांट लिव विदाउट देम बिकॉज देयर इज नो अदर ऑप्शन. फॉर एग्जाम्पल एलपीजी गैस सिलेंडर, वहां पे जहां पे गैस पाइप नहीं है या उसका ऑप्शन नहीं है, वहां पे हम लोगों के लिए एलपीजी सिलेंडर इज अ कमोडिटी. दिमाग लगा के सोच के बताओ, 400 का था तो भी खरीदा, 800 का था तो भी खरीदा, और 1200 का ब्लैक में मिल रहा था, चाहिए होता था तो वो भी खरीदा. क्यों खरीदा? क्यों? क्योंकि 10, 20, 30, 40 जितना मर्जी बढ़े, उसकी क्वांटिटी जितनी हमको चाहिए, मतलब चाहिए. सो इट इज परफेक्टली इनइलास्टिक, नहीं हिलेगा, क्वांटिटी इंपैक्ट नहीं होगी, जहां थी वहीं रहेगी. इसीलिए इसका कोएफिशिएंट जीरो है, विच मींस जब हम कहते हैं कि पीईडी इज इक्वल टू जीरो, इसका सीधा मतलब कि प्राइस जितना मर्जी बढ़ा लो, जितना मर्जी घटा लो, क्वांटिटी जहां है वहीं रहने वाली है. इसका एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सॉल्ट. सॉल्ट, नमक. भाई नमक के बिना हम कहां जीते? बिल्कुल नहीं. इंडिया में तो नहीं चलता अपना काम नमक के बिना, है ना? तो नमक महंगा हो सस्ता हो, अगर मेरे घर में 2 पैकेट आते हैं तो मतलब आते हैं, वो मुझे यूज करने ही करने हैं. सो माय पीईडी इज गोइंग टू बी जीरो. सिमिलरली टेक अनदर एग्जांपल, भगवान ना करे किसी को कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो जाए, लाइक कैंसर और लाइक एड्स. जो डॉक्टर ने तुम्हारे प्रिस्क्रिप्शन पे दवाई लिख दी, वो 25,000 की हो, 30,000 की हो, अगर उसकी कोई और ऑप्शन तुम्हें अवेलेबल नहीं है, अगर सरकारी हॉस्पिटल्स में उसका सस्ता ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो व्हाट इज द ऑप्शन दैट यू आर लेफ्ट विद? नथिंग. कुछ नहीं कर सकते. पीईडी जीरो. प्राइस बढ़े प्राइस घटे, द क्वांटिटी इज गोइंग टू रिमेन द सेम. दैट इज परफेक्टली इनइलास्टिक का केस. ये देखा जाता है, तभी मैं एग्जाम्पल दे पा रही हूँ. ओके, थर्ड केस मॉडरेटली इलास्टिक, या जिसे हम बोलते हैं ऐसी कमोडिटीज जिनकी पीईडी 1 है. अब इसका क्या मतलब हुआ? पीईडी का फॉर्मूला होता है चेंज इन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. तो कहने का मतलब है कि अगर कोई कमोडिटी है जिसकी प्राइस 50% से बढ़ी, ओके, और उसकी वजह से उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो 50% से ही घटी, तो ऐसी कमोडिटी की जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, और हम उसे बोलते हैं मॉडरेटली इलास्टिक कमोडिटी. मतलब ना बहुत ज्यादा इलास्टिक है, बहुत ज्यादा हाई इलास्टिक का मतलब कि जरा सा प्राइस बढ़ा नहीं और कंज्यूमर ने वो क्वांटिटी बिल्कुल ही छोड़ दी और किसी दूसरी कमोडिटी पे चला गया. ना ही लेस इलास्टिक है, मतलब थोड़ा सा प्राइस बढ़े, ज्यादा प्राइस भी बढ़े तो बंदा कहीं नहीं जा रहा, या थोड़ी क्वांटिटी कम कर रहा, वो भी नहीं है, मॉडरेटली इलास्टिक. एग्जाम्पल के तौर पे क्रॉकरी, फर्नीचर, इन पे मॉडरेटली इलास्टिक होती है ये कमोडिटीज. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, फैंस का एग्जाम्पल लेते हैं. तो मान लो तुम उषा के फैंस खरीदने जा रहे थे, एक उषा का फैन आता है 2000 का, और तुमने सोचा था तुम 2 खरीदोगे, यानी तुम 4000 रुपए खर्चोगे, ठीक है? अब क्या हुआ, प्राइस घट गया. फॉर एग्जाम्पल प्राइस घट गया, तो तुमने 2 खरीदने थे, प्राइस घट गया, अब 2000 का हो गया, तो अब तुम सोचोगे कि यार मैं एक और खरीदू, लेट मी बाय 1 मोर, क्योंकि मैं तो 4000 का खरीदने वाला था और अब प्राइस घट के 1000 का एक फैन हो गया. इसको लेट मी जस्ट रिपीट इट अगेन. तो एक फैन 2000 का था, तुम 2 खरीदने जा रहे थे, तो तुमने 4000 खर्च किए थे. तुम वहां गए, तुम्हें पता चला कि वाओ एक फैन 1000 का हो गया, ठीक है? तो तुमने सोचा मैं 2 फैन खरीदने वाला था, नाउ लेट मी बाय 4 फैंस, क्योंकि मैं तो 4000 खर्चने वाला था. तो प्राइस कम हुई 100% से, 2000 से 1 यूनिट फैन की प्राइस कम हुई 100% से, यानी 1000 रुपया हो गई, है ना? 2000 का 100% 1000, 1000 से कम हुई, तो तुमने भी 100% से अपनी क्वांटिटी बढ़ा दी, यानी तुम पहले 2 फैन खरीदने वाले थे, अब तुम 1000 के 4 फैन खरीदोगे, 2 से 4 डबल हो गया, यानी 100% प्राइस हो गया, है कि नहीं? तो 100% प्राइस में फॉल की वजह से 100% क्वांटिटी डिमांडेड तुम्हारी बढ़ गई. दिस इज अ केस ऑफ पीईडी 1. अगर तुम डायग्राम चेक करो तो यूनिट्स यहां है, प्राइस यहां है. अगर मेरी प्राइस पहले प्राइस 10 थी और यूनिट्स 20 थे, तो प्राइस के 20 होने से यूनिट्स भी, सॉरी यहां 20 आएगा, यूनिट्स भी 10 हो गए. आई एम रिपीटिंग इट. अगर आपकी प्राइस पहले 10 थी और यूनिट्स आप 20 ले रहे थे, तो प्राइस के 100% बढ़ने से, यानी 20 होने से, यूनिट्स भी 100% कम हो गए, यानी 10 हो गए. और ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डब्बा डायग्राम बनती है, मतलब इस रेक्टेंगल का एरिया और इस रेक्टेंगल
सर्कल का एरिया सिमिलर होता है, इसे सिमिलर होना चाहिए. एंड दिस डिमांड कर्व इज नोन एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. अब ये क्या बोला है भाई, मैं नई नई चीजें बोलती रहती हूँ. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज नथिंग, इट्स अ डिमांड कर्व, इट्स द एरिया जब जो दो रेक्टेंगल्स बन रहे हैं इस कर्व के नीचे, जब इनका एरिया सिमिलर होता है हम उसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं. माइक्रो में दो ही जगह पर ये आता है, इस साल जो आप सिलेबस में करेंगे. एक तो ये, जब PED इक्वल टू 1 होती है तो जो रेक्टेंगल दो इसके नीचे बन रहे हैं उनका एरिया सेम होना चाहिए, दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. और एक आएगा कॉस्ट के चैप्टर में, जब हम वो करेंगे तब मैं तुम्हें वो डिटेल में समझाऊंगी. ठीक है, क्लियर है? क्विक रन थ्रू मारते हैं. परफेक्टली इलास्टिक मतलब प्राइस तो कांस्टेंट है, एट अ कांस्टेंट गिवन प्राइस जितना मर्जी चाहो उतना अमाउंट तुम मतलब डिमांड कर सकते हो. ये परफेक्ट कंपटीशन के मार्केट फॉर्म में देखा जाता है और ये हाइपोथेटिकल है, मतलब इमेजिनरी है. इस केस में पीडी इज इक्वल टू इनफिनिटी. क्लियर? दूसरा केस परफेक्टली इलास्टिक, फेविकॉल का मजबूत जोड़, प्राइस जितना मर्जी ऊपर नीचे हो क्वांटिटी डिमांडेड पे असर नहीं पड़ने वाला. ये बेसिक टू बेसिक बहुत ज्यादा जरूरी कमोडिटीज पे लगता है और पीडी इज इक्वल टू जीरो. थर्ड मॉडरेटली इलास्टिक, या जहां पे पीडी इक्वल टू 1 है, जहां पे प्राइस में जितना फर्क आया उतना ही क्वांटिटी डिमांडेड में फर्क आता है और इसीलिए इसका कोएफिशिएंट है पीईडी इक्वल टू 1. और इस केस में जो डिमांड कर्व है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, मतलब डिमांड कर्व के नीचे दो रेक्टेंगल्स बनते हैं, एक ऐसे और दोनों का एरिया सेम होता है. दिस सिचुएशन इज नोन एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. ठीक है, आई होप यू आर क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट. अगर आप लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा. टिल देन बाय बाय.